हेलो गाइस, चैनल के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ चुके हैं हमारे टाउन हॉल 14 के अकाउंट में और यहां से हम लोग बहुत सारी चीजें अपग्रेड करने वाले हैं। मतलब यहां पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास कितना सारा आइटम्स वगैरह है। ये सारे आइटम्स से आज हम जितना बेस को हो सके अपग्रेड करेंगे एक दिन के अंदर। बहुत सारा हमें लूट भी चाहिए, वो भी कलेक्ट करेंगे। जितना भी रिसोर्सेस पड़े हैं वो सभी आज हम यूज करेंगे इसी बेस पे। और स्पेशली आज हमारे किंग को हम लोग 6 लेवल अपग्रेड करने वाले हैं। मतलब एक दो नहीं, 6 लेवल एक ही के अंदर। तो आज बहुत मजा आने वाला है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। बाकी अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना, ज्यादा अच्छा लग जाए तो उसके साथ कमेंट भी कर देना। तो चलो यहाँ पे पहले डार्क एलिक्सर से एक ट्रूप को कर लेते हैं अपग्रेड। तो यहाँ से हमें करना होगा मिनियन, क्योंकि हम लोग तो लावा लून यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे मिनियन की जरूरत पड़ेगा। तो चलो कर लिया और यहाँ पे इसको कर देंगे बुक ऑफ फाइटिंग से फिनिश भी। तो यहाँ से कर देते हैं फिनिश, बहुत सही हो गया। तो एक और ट्रूप हमें करना होगा क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारा एलिक्सर पड़ा है, तो उससे हम एक और ट्रूप कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो पहले आता है इलेक्ट्रो ड्रैगन और ये ती या फिर कुछ और, तो यहाँ से इलेक्ट्रो ड्रैगन ही कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे लगा दिया। आप बुक ऑफ एवरीथिंग से इसे फिनिश नहीं करेंगे क्योंकि बुक ऑफ एवरीथिंग हम किसी और जगह पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक रिसर्च पोशन है उसे यूज कर लेते हैं जिससे एक दिन कम हो जाएगा। अब हमारे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा है तो इससे हम क्या करेंगे, तो पहले इससे हम विजर्ड टावर को कर लेंगे और चलो यहाँ पे लगा देते हैं। और चलो लगा दिया। अब ये जो टाइमिंग देख रहे हो आप लोग, इसी चीज को हम प्रूफ के हिसाब से यूज करेंगे कि ये सारा अपग्रेड हम एक दिन में कर रहे हैं या फिर उससे ज्यादा। अब हमें बहुत सारा लूट का जरूरत होगा तो यहाँ से एक रिसोर्स पोर्शन एक्टिव कर लेते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा मदद तो मिल जाएगा। अब चलो थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से वापस आते हैं यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, ये जो विजर्ड टावर है इस तरफ कर लेते हैं जिससे हमें टाइम का अच्छा खासा यहाँ पे पता चल जाए कि हम कितने दिनों में ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे रहेगा तो सही रहेगा। अब चलो जो काम मैं भूल गया तो वो पहले कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेस पड़ा हुआ है क्लैन कैसल में, तो ये पहले कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, बहुत सारा आ गया। और दूसरा सीजन चैलेंजेस में वहाँ पे कुछ रिवार्ड्स वगैरह पड़ा हुआ है तो वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पे 20 लाख का एलिक्सर और 20 लाख का गोल्ड पड़ा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे कलेक्ट कर लिया हमने। अब हमें और भी लूट चाहिए जिससे हम किंग को एक लेवल अपग्रेड कर सके, और वो मिलेगा हमें रेड मेडल से। तो यहाँ पे आ जाते हैं और रेड मेडल से कुछ डार्क एलिक्सर वगैरह खरीद लेते हैं। तो एक आ गया यहाँ पे 25,000 और चाहिए हमें, तो एक बार और 25,000 मिल गया। और आप शायद इससे हमारा किंग एक लेवल अपग्रेड हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, उतना रिसोर्सेज है हमारे पास, मतलब डार्क एलिक्सर है, तो यहाँ पे डाल देते हैं एक लेवल के लिए। चलो डाल दिया यहाँ पे और ये फिनिश करने वाले हैं एक बुक ऑफ हीरो से। ओके, तो हमारा किंग एक लेवल अपग्रेड हो चुका है और भी हमें 5 लेवल अपग्रेड करना है। तो चलो पहले एक बुक ऑफ हीरो खरीद लेते हैं, नहीं तो एक लेवल खत्म हो जाएगा तो ये चांस हम गवा देंगे। तो चलो एक खरीद लिया यहाँ से, बहुत सही। अब हमें डार्क एलिक्सर चाहिए जिससे हम किंग को एक लेवल और अपग्रेड कर सके, तो फिर से चलते हैं रेड मेडल के लिए और वहाँ पे जितना भी रेड मेडल्स हैं यहाँ से खरीद लेंगे। तो चलो एक 25,000 आ गया और भी आएगा। चलो एक और हो गया, एक और होगा। ओके, चलो हमारा रेड मेडल हो चुका है खत्म और अब हमें लूटना होगा। तो चलो फटाक से चलते हैं और अच्छा खासा लूट लेके वापस आते हैं। लगभग 2 घंटा लग गए हमें ये लूट करने में। तो चलो किंग को एक और लेवल अपग्रेड करते हैं। चलो यहाँ पे कर दिया, अब बुक ऑफ हीरो से इसे करते हैं फिनिश। ओके, तो हमने किंग को 2 लेवल अपग्रेड कर दिया, वो भी एक दिन के अंदर, और हमें किंग को और भी 4 लेवल अपग्रेड करना है और उसके लिए चाहिए हमें बुक ऑफ हीरो, और बुक ऑफ हीरो हमें यहाँ से एक मिल जाएगा सीजन चैलेंजेस से। और अब हमें इसे यूज करने के लिए और भी डार्क एलिक्सर चाहिए, उसके पहले जितना भी रिसोर्सेस है उसे खत्म करना होगा। तो गोल्ड से हम एक विजर्ड टावर कर लेते हैं यहाँ पे, चलो डाल दिया हमने। और अब हम इसे बुक ऑफ बिल्डिंग से फिनिश भी कर देंगे क्योंकि हमें बिल्डर फ्री रखना है, राइट। तो चलो यहाँ पे कर दिया हमने और इस विजर्ड टावर को वॉल के उस पार कर देते हैं क्योंकि ये हो चुका है मैक्स। और अब हम ये वाला विजर्ड टावर भी करेंगे, उसके लिए हमें गोल्ड चाहिए, तो यहाँ से रून ऑफ गोल्ड भी यूज कर लेते हैं। चलो कर लिया और हमारा गोल्ड स्टोरेज हो चुका है फुल। और चलते हैं दूसरा विजर्ड टावर पे और इनको डाल देते हैं अपग्रेड पे। अब हमें बुक ऑफ बिल्डिंग चाहिए जो मिलेगा हमें क्लैन गेम्स के रिवॉर्ड पे, जहाँ पे हमने अभी तक रिवॉर्ड्स कलेक्ट नहीं किया। और यहाँ से हम लोगों को क्या क्या चाहिए, एक बुक ऑफ बिल्डिंग चाहिए, यहाँ पे रून ऑफ गोल्ड भी लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 20 जेम्स, और यहाँ से आ जाएगा एक ट्रेनिंग पोशन, और यहाँ से आएगा 50 जेम्स, नहीं सोबेल सिलेक्ट कर लेते हैं, वैसे बेच के 50 जेम्स ही मिलेगा। और यहाँ से आ जाएगा बिल्डिंग बूस्ट पोशन, और नेक्स्ट ये रून भी चाहिए, तो पहले एक रून यहाँ पे हमारे पास है जो यहाँ पे बेच देते हैं। चलो सेल कर दिया और यहाँ से हमें मिल जाएगा एक और रून। ओके, चलो कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे।
अब हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोनस रिवॉर्ड भी मिलेगा जो यहाँ पे 100 जेम्स आएगा। चलो ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सही, अब चलते हैं विजर्ड टावर के लिए और वहाँ पे उसको फिनिश भी करना है, राइट। तो यहाँ पे आ गए विजर्ड टावर पे और इसको करेंगे फिनिश बुक ऑफ बिल्डिंग से। तो यहाँ पे चलो फिनिश कर लिया, बहुत सही। अब ये वाला विजर्ड टावर भी वॉल के उस तरफ कर देते हैं। ओके चलो यहाँ पे रख दिया, रुको ठीक से रख देते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा इस तरफ कर दो। ओके और ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा, चलो बहुत सही। अब हमारे पास जितना भी एलिक्सर है उससे वॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा एक और ये होगा दूसरा और ये रहेगा तीसरा और एक भी होगा, ये होगा चौथा। चलो अब एलिक्सर भी खत्म हो चुका है, अब चलते हैं फिर से एक तगड़ा लूट के बाद फिर से वापस आते हैं। लगभग 4 घंटा बीत चुके हैं और दोपहर से शाम भी हो गया, तो चलो लूट तो आ चुका है। तो यहाँ पे करते हैं एक और लेवल किंग का अपग्रेड। तो यहाँ पे आ जाते हैं किंग के ऊपर और चलो यहाँ पे कर देते हैं अपग्रेड। चलो डाल दिया और अब इसको भी बुक ऑफ हीरो से फिनिश करते हैं। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं फिनिश, बहुत सही। तो हमने 3 लेवल अपग्रेड कर दिया, और भी 3 लेवल अपग्रेड करना है। उसके लिए फिर से हमें डार्क एलिक्सर चाहिए, पर जितना भी अभी तक गोल्ड और एलिक्सर बचा हुआ है उससे पहले वॉल्स को कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे लूट पे। तो चलो यहाँ पे वॉल कर लेते हैं, पहले यहाँ से हो जाएगा एक, यहाँ पे हो जाएगा दो, यहाँ पे हो जाएगा तीन, चार, पाँच, पाँच यहाँ से हो गया, छः हो गया यहाँ पे, चलो छः हो गया और नहीं है हमारे पास। अब चलो फिर से हमें लूट के लिए जाना होगा। One long angry line later. शाम से रात हो गया, रात से सुबह हो गया और एक दिन होने में सिर्फ यहाँ पे टाइम बचा है 4 घंटा। तो चलो फिर से किंग के पास चलते हैं और यहाँ पे एक और लेवल अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पे चलो किंग को हमने डाल दिया अपग्रेड पे और यहाँ से बुक ऑफ एवरीथिंग से इसको करने वाले हैं फिनिश। तो चलो यहाँ पे कर दिया फिनिश और हमारा किंग हो चुका है 4 लेवल अपग्रेड। मतलब सोच रहे हो एक दिन के अंदर 4 लेवल हमने अपग्रेड कर दिया, और भी 2 लेवल अपग्रेड करेंगे। उसके पहले चलो वॉल्स को कर देते हैं, एक हो गया, फिर होगा दूसरा, तीसरा यहाँ पे कर देंगे, चलो चौथा करेंगे यहाँ पे, चलो कर दिया, फिर आ गया पांचवा जस्ट यहाँ पे, और फिर से हो चुका है हमारा लूट खत्म। भाई साहब इतना लूट कर रहे हैं, मतलब लीक देखो अब कहाँ थे कहाँ आ गए। तो चलो फिर से लूट करते हैं और फिर से वापस आते हैं। सुबह से दोपहर हो गया, मतलब एक दिन लगभग खत्म हो ही चुका है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। लूट तो है हम लोगों के पास, पर वीकली डील्स का टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसीलिए बुक ऑफ हीरो अब परचेस नहीं कर पाएंगे। तो जब तक वो आ जाता है उसके पहले हम इस डार्क एलिक्सर से एक पेट करवा लेते हैं। यहाँ से आएंगे और यूनिकॉर्न को डाल देंगे एक लेवल और आगे जाने के लिए। तो चलो हमने डाल दिया, अब जितना भी रिसोर्सेज है हमारे पास उससे वॉल फिर से कर लेंगे और इस बार इतना देर नहीं लगाएंगे, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। चलो तो फिर से हमारा लूट हो चुका है खत्म और इस बार फिर से चलेंगे लूट करने के लिए। तब तक हमारा वीकली डील्स का टाइम भी खत्म हो जाएगा और बुक ऑफ हीरो तब खरीद भी सकते हैं। तो चलो फटाक से चलते हैं, एक लूट करके फिर से वापस आते हैं। 1 घंटा और बीत चुका है, क्या ही कर सकते हैं, अब वीकली डील्स का टाइम खत्म होगा तभी ना मिलेगा। तो चलो पहले वहां से बुक ऑफ हीरो खरीदते हैं। यहाँ पे आ गया और हमें कुछ एलिक्सर मिल गया, तो पहले खरीदते हैं यहाँ पे बुक ऑफ हीरो। चलो खरीद लिया, अब यहाँ से ये फ्री का एलिक्सर भी ले लिया। अब हमें करना है किंग को अपग्रेड, तो चलो किंग के पास चलते हैं। ओ भाई साहब अभी भी 8000 का डार्क एलिक्सर चाहिए, तो कोई नहीं एक लूट मार लेंगे जहाँ पे 8000 का डार्क एलिक्सर हो। तो चलो पहले एक बेस को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे 8000 से ज्यादा या फिर 8000 का डार्क एलिक्सर हो। ओके गाइस बेस तो हमें मिल चुका है, आप सीधा यहाँ पे अटैक करते हैं। तो इस साइड से हम जाने वाले हैं, तो लॉग लॉन्चर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले आ जाएगा हमारा आइस गोलेम जस्ट यहाँ पे, और उसके पीछे आएगा 3-3 सिंपल गोलेम, उसके पीछे से जायंट्स, फिर आएगा विचेस, बोलर्स, फिर आएगा हमारा लॉग लॉन्चर, फिर किंग, फिर क्वीन, गलती से एबिलिटी पॉपअप हो गया, वार्डन आ जाएगा, और पीछे से आ जाएगा हीलर्स, उसके पीछे आएगा आरसी। अब यहाँ पे पहला आ जाएगा एक रेज, उसके बाद यहाँ पे पॉइजन, फिर यहाँ पे फ्रीज भी आएगा। अब थोड़ा सा होल्ड करेंगे, एक और फ्रीज आएगा जस्ट यहाँ पे, चलो फिलहाल सही जा रहा है, और यहाँ पे एक और फ्रीज आएगा और यहाँ पे रेज भी डालेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, एक रेज आ जाएगा जस्ट यहाँ पे, चलो और एक फ्रीज भी आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जाओ,
जस्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वार्डन एबिलिटी भी आएगा, जस्ट यहाँ पे चलो दे दिया, बहुत सही। एक और फ्रीज है, 4 अर्थक्वेक है, वो सही टाइम पे आएगा। यहाँ पे आ गया आरसी का एबिलिटी, बहुत सही। अब यहाँ पे अर्थक्वेक भी डाल देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। जस्ट यहाँ पे आ जाएगा अर्थक्वेक, जिससे वॉल सारा का सारा फूट जाएगा। चलो ये तो अब 3 ही लग रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे एक फ्रीज की जरूरत होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, होल्ड करते हैं यहाँ पे। और बाहर की तरफ जितना भी चीज़ें चाहिए क्लीन अप ट्रूप्स वगैरह डाल देते हैं। तो यहाँ पे 3 स्नेकी गॉब्लिन डाल देते हैं, बहुत सही। और स्वैग कर देते हैं फ्रीज का, रख के क्या ही करेंगे, क्योंकि काम का तो फिलहाल है नहीं। और यहाँ पे एक स्नेकी गॉब्लिन, यहाँ पे एक आर्चर डाल देते हैं ऊपर। और हमारे पास अभी भी क्वीन का एबिलिटी है, वो पॉपअप कर देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे पॉपअप कर देते हैं, बहुत सही। और ये 3 स्टार हो गया और हमारा लूट मिल गया, जितना चाहिए था उतना तो मिल ही गया। तो चलो अब चलते हैं किंग के पास और उनको करते हैं एक और लेवल अपग्रेड। तो यहाँ पे आ गया और चलो किंग को यहाँ पे डाल भी देते हैं, चलो डाल दिया। और इसको फिनिश भी करेंगे बुक ऑफ हीरो से, तो चलो यहाँ पे बुक ऑफ हीरो यूज कर लेते हैं। चलो कर लिया और हमारा किंग हो चुका है 59 लेवल का, मतलब 5वां लेवल हमने अपग्रेड कर दिया। और जो लास्ट बचा है वो करेंगे हैमर ऑफ हीरो से। चलो फाइनली हमने एक ही दिन के अंदर, एक दिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकल गया, एक दिन एक घंटे के अंदर हमने कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर हम लोगों ने हीरोज का 6 लेवल अपग्रेड कर दिया। उसके साथ साथ काफी अच्छा खासा चीजें भी कर लिया, और भी हमारे पास कुछ जो भी आइटम्स वगैरह पड़ा है उसको भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि कुछ गोल्ड और एलिक्सर से वॉल्स कर लेते हैं। यहाँ पे एक हो गया और दूसरा भी यहाँ से कर लेते हैं और तीसरा भी यहाँ से, चलो हो गया। और अब हमारा गोल्ड हो चुका है खत्म, पर रुको, बिल्डर फ्री है, इसका मतलब उसको बिजी भी करवाना है, राइट। और हमारे पास एक रून ऑफ गोल्ड भी है, तो चलो उसे यूज भी कर लेते हैं। यहाँ से चलो कर लिया इसको यूज। और जितना भी डिफेंसेस है, जैसे कि ये विजर्ड टावर तो उतना लेगा नहीं, तो सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट यहाँ पे ले रहा है टेस्ला फार्म, तो एक टेस्ला को हम डाल देते हैं अपग्रेड पे। चलो डाल दिया यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। चलो एक काम करते हैं, ये बिल्डर पोशन भी यूज कर लेते हैं, बहुत सही। तो गाइस हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर बहुत सारा चीजें कर लिया, ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, बाय।